नमस्कार बारवाटी धौल एक्सप्रेस को स्वागत करुच्छी मुंडलीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे रुषिया युक्रेन मध्ये युद्ध आरंभ उभय पक्षर शक्ति प्रदर्शन आकाशर गुड़बोमा विस्फोरण रूस आक्रमण में युक्रेन सैन्यों एयरबेस और प्रतिष्ठान ध्वंस भारतीय सुरक्षित फेर आने को पदक्षेप ठक डाक्तर 19 नंबर स्त्री खोलिला गुमर मैट्रिमोनियल साइट्रु प्रथमे प्रेम और विवाह विवाह परे फ्लाट किणवा ना लगता 21 लक्षर चून राज्य में थमुनी गंजे कारबार मंगुरु एक क्विंटाल अधिक गंजे जबत कंधमालू कोलकाता को चालाण बेले स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड चढ़ाऊ दुई गिराव लोप पाइव कि उर्दू भाषा अवहेलित अवस्था राज्यर सर्वपुरतन सरकारी उर्दू शिक्षक प्रशिक्षण भूतकोटी पलटवाक बसला कोठा ना शिक्षक केबे पड़ सरकार नजर उठिला प्रश्न 28 खोल प्राथमिक स्कूल प्रथम सप्तम श्रेणी स्कूल खोल आसला नुआ गाइडलाइन प्रथम सात दिन पर्यंत स्कूल होब नाच गीत सतदिनिया पाठपढ़ा पर आरंभ होब तीनदिनिया बेसलाइन परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा दाबी गर्जिले छात्र छात्री मास्टर कैंटीन छक प्लस थ्री छात्रों धारणा बेले उठाई नेला पुलिस ऑनलाइन रे परीक्षा करने को दाबी चलुनी गोड़ हाथ जन्मर छ मास दिव्यांग किंतु पलटी ना बोझ दुकान खोली होती स्वावलंबी कालियां दृढ़ मनोबल आगे हारी भिन्नक्षमता युक्रेन और रूस मध्य आरंभ हो युद्ध रूस सेना प्रथमे निजर शक्ति प्रदर्शन कर आकाशमार्ग युक्रेन सामरिक प्रतिष्ठान उपरे आक्रमण कर युक्रेन सैन्यों एयरबेस और प्रतिष्ठानगुड़िक संपूर्ण ध्वंस हो रूस प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्ष सूचना मिली सहित युक्रेन सामरिक भूमि एयर डिफेन्स सिस्टम मिलिटारी एयरफिल्ड समेत सेना व्यवहार कर विमान बंदर सब् अचल कर दीजिए रूस प्रकाश कर युक्रेन राजधानी समेत 13 स्थान में रूस विस्फोरण कर विस्फोरण में अनेक लोकों मृत्यु होता सूचना मिली रूस को जवाब दे युक्रेन रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन युक्रेन सेना को अस्त्र छाड़ आत्मसमर्पण करने को युक्रेन मामलें अन्य कौन देश मुंड खेलाइले परिस्थिति भयावह हो चेतावनी अनेपटे युक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की निज स्वाभिमान जिद्रे अटल रही निष्पत्ति अनेपटे भारतीय मानक सुरक्षित भाव फेर आने व्यवस्था करगक केन्द्र पक्ष पदक्षेप नि सूचना देते प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसा है कि वैसे सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने अभी कुछ की है प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे नहीं ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी कुछ बच्चे आए भी हैं ऐसा नहीं है कुछ बच्चे आए हैं लेकिन एक प्लेन वहाँ गई वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी हम प्लेन चाहते हुए भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई स्थिति विषम है इसमें कहीं दो राय नहीं है लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है जो हमारे भारतवासी हैं हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं उन सभी को निकाला जाए इंडिया का क्या स्टैंड है इस पे कुछ बोल दीजिए भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए यही भारत की सोच है असे पड़ती खबर को नकली डाक्तराणी विरुद्ध नुआ मामला नकली डाक्तराणी विरुद्ध नुआ मामला सामना कसले 19 नंबर स्त्री एवं रमेश नारे देले एतला गुवाहाटी जने सरकारी डाक्तराणी को लगाई 21 लक्षर चून विवाह पर रमेश आनी भुवनेश्वर रखा सहित वैदिक रीति में गृह प्रवेश करपरिक रमेश भौणी दामी नणद पुटुली नहीं ठक डाक्तर 19 नंबर स्त्री मैट्रिमोनियल साइट्रु प्रथमे प्रेम और विवाह ठक डाक्तर रमेश नारे महिला थाना रे नुआ मामला
गुवाहाटीर सरकारी डाक्तराणी को लगाई 21 लाख चून बह पर फ्लाट किणवा नाँ डाक्तराणी लुटी 21 लाख 19 नंबर स्त्री ठू भी भौणी हाथ दामी नणद पुटुली कोविड कटक भितर आसाम गुवाहाटी चलाकीर सह कर बह नकली डाक्तर नाँ अभोग लंबा फर्द बाहर 19 नंबर स्त्री 2021 गुवाहाटी जड़े सरकारी डाक्तराणी को बह कर रमेश करोना कटक जो पर भितर होता बह ए बहरे रमेश भिणई गणेश और ड्राइवर पप्पू उपस्थित थे बह पर ठक रमेश तार सहयोगी मैंने 5 तारिखा होटेल रही है समस्ते भुवनेश्वर आसते और भुवनेश्वर स्थित दि डीएन अक्सी आपार्टमेंट रही है पूर्व प्रस्तुति अनुसार रमेश और स्त्री को रमेश सावतमा भौणी और पुरोहित उपस्थित रही वैदिक रीतनीति अनुजाई गृह प्रवेश कराइले रमेश भौणी दामी नणद पुटुली भाव नहीं सुना मोबाइल सह दामी शाढ़ी एपरिक गुवाहाटी फ्लाट किणवा नाँ रमेश 21 लाखर चून लगे महिला डाक्तर लिखित अभियोग पर 161 धारा रे बयान रेकर्ड कर पुलिस व्वेन हि केम टू गुवाहाटी अलंग विथ हिज सम रिलेटिव देन द मेरेज सेरेमनी वाज सोलेमनाइज बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन लिमिटेड पर्सन्स वेर देयर सो आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम देयर ओनली हि चीटेड मी like anything maximum punishment as far as government criminal rules and I am nothing to say more we are very much sorry this types of criminal great lost doing harm to the nation and this type of national criminal not only be punished but he should be hanged I believe मैट्रिमोनियल साइड रे सरकारी डाक्तराणी प्रथम जोगाजोग होता रमेश पर फोन जरिया दुहे कथा होते तीन तीन थर आसाम जाई डाक्तराणी को देखा कर रमेश प्रथम प्रेम यापर बह होता तेरे बह पर टंका चलू करने डाक्तराणी को धोखा दे रमेश म्यारेज भी सी फैमिली मेम्बर दु चार लोक को लेकिन और बाहर इतले बोली सी पूर्व सी टेलीफोनिक कन्वर्सेसन आम कनफर्म कर म्यारेज विषय गत का सी आसिक थाना आमको रिपोर्ट देखते रिपोर्ट आम आउ गोटे केस एगेन्स्ट रमेश चंद्र स्वाई ओर अफ श्री रमेश कुमार एगेन्स्ट करूँ तार आज इनभेस्टिगेसन चली तार स्टेटमेंट रेकर्ड कर नकली डाक्तर नाँ अभोग लंबा तालिका सबुठ बह पचर ठकई मनोवृत्ति रमेश नाँ आहरी अभोग तालिका बढ़ ना छिड़ब तापर पुलिस नजर भुवनेश्वर संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज मंगुली एक क्विंटाल ऊर्ध गंजे जबत कला स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड दुईज गिरफ जबत गंजे आनुमानिक मूल्य 5 लाख टर्ध सका 8:30 समय टांगी स्थित मंगुली छक कंधमालू कलिकता चलाणी होता गंजे खबर पाई स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड टीम चढ़ाऊ चढ़ाऊ कर गंजे जबत कर एक पिकअप भ्यान डालारे सिक्रेट चैंबर कर चलाणी होता रायगढ़ गोपालपुर अंचल गाड़ी ड्राइवर मनोज बलिया सिंह और गंजाम सोडर कीर्तन गोड़ा को गिरफ्त करने सहित चलाणी होता पिकअप भ्यान जबत हो उभयों विरोध में एनडीपीएस आक्ट अनुसार मामला रुजु कर सूचना देखते कटक स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड अधीक्षक देवाशीष पटेल संकट रे उर्दू भाषा राज्य में थिबा उर्दू शिक्षानुष्ठान उपरे राज्य सरकारंकर नजर नाही भित्तिभूमि थाई केउठी कोठा भुसुड़ीबा को बसिलानी तो केउठी आवश्यक शिक्षक नांते उर्दू शिक्षा को काहे अनदेखा करछंती राज्य सरकार ताको नी उठिछि प्रश्न ओडिसारो लोप पाइछबो कि उर्दू भाषा संख्यालघु विरोधी कार्य करछंती कि राज्य सरकार उर्दू शिक्षा को काहीकि अणदेखा करुछंती सरकार टिके नजर पकांतु ए दृश्य उपरे एहुचि कटक सहरर शेख बजार थिबा 110 वर्षर सर्वपुरातन राज्यर एकमात्र सरकारी उर्दू शिक्षक प्रशिक्षण अनुष्ठान किपरि हीनस्थ अवस्था पड़ रही शिक्षानुष्ठान एटि गत 2008 मसीहारु स्थायी प्रधान शिक्षक नथिबा बेले नाहंती आवश्यक उर्दू शिक्षक भित्तिभूमि थाई मध्य फुतकोटी हो पड़ रही अनेक गृह शौचालय छातरु प्लास्टर खसुवा बेले अपरिष्कार हो पड़ी अनेक शौचालय आवश्यक क्लासरूम नहीं दीर्घ वर्षर बंद हो पड़ी एकमात्र पाठागार छात्रों पर हस्टेल थी विपद संकु अवस्था पड़ रही
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ DELED ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2022-23 ପାଇଁ DELED ପାଇଁ ନାମଲେଖା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। एक लैंग्वेज जो है उसको छुपाया जा रहा है, जो कि हमारा राइट है कि हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकें और उसमें पढ़ सकें, तो एक लैंग्वेज को क्यों ऐसा किया जा रहा है, जो कि हमारे खिलाफ एक पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग मतलब कर रहे हैं, जो भी हमारा राइट्स हम चाहते हैं, हमारा हक हम चाहते हैं। मुस्लिम संपदा गोटे अनुष्ठान अच्छी जोटा आम कटक से आगे बचिक रो बहुत आशय पिला अच्छा आ बहुत पिला भी ये पढ़ी जाइंट आ बहुत मानते भल सर्विस दौरान तो आम भी चाहूँ इन्यूटा बचिक रो आम संप्रदाय गोटे मात्र इन्यूट आम बचे पार्बुन 110 वर्षर तो यहाँ विड़म्बना दुखर कथा किसी हेनी। केवल शिक्षानुष्ठान नुहे, ओडिया बजारे थिबा एकमात्र उर्दू बालिका उच्च विद्यालय को मध्य अणदेखा करुछन्ति सरकार। ए विद्यालय रे मध्य आवश्यक उर्दू शिक्षक नथिबा बेले प्रशासनिक आंतरिकता अभाव जगु छात्री को नामलेखा कमी जाइछि। सरकार को एभली मनोभाव को नहीं असंतोष प्रकाश करिसेंति बुद्धिजीवी। राज्य सरकार को प्रशासनिक स्तर रे संख्यालघु प्रति वैमात्रिक मनोभाव रखा जाइछि बोली बुद्धिजीवी कहिसेंति। मदरसा स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय में उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति दिया जाए नहीं, जहाँफल प्रतिवर्ष पास करुवा उर्दू भाषाभाषी छात्र छात्री बेकारी समस्या वृद्धि पाउछि, जहाँ नहीं असंतोष प्रकट करने सरकार यह तुरंत पदक्षेप निर्णय बुद्धिजीवी। जोटा वर्तमान अच्छी आम मदरसा बोर्ड अंतर्गत फाजिल उर्दू फाजिल बर्तमान कराऊ, जोटा पूरा सारा ओडिशा रे सबुआड़े बाहरी गला जे विज्ञप्ति जे तांकर पोस्टिंग हेबो किंतु उर्दूर बाहरी पारा ना, से दुखदायक समग्र ओडिशार लोकं को दुख दौची जे समस्त बाहरी गला किंतु उर्दू पोस्ट बाहरी पारानी, क्या पोस्टिंग कराऊनी, उर्दू शिक्षक आपॉइंटमेंट तो होनी, 6000 रु अधिक शिक्षक आपॉइंटमेंट रे उर्दू शिक्षक जणे भी आपॉइंट हैनी, तेणु से स्कूल रे कई उर्दू शिक्षक ना सब ओडिया शिक्षक भर्ती कर झील पिला माने पाठ पढ़ी पार ना, धीरे धीरे स्कूल रे झील आसवा कमी गला, मत लगुच बर्षे दि वर्ष जदि ये अवस्था लगी रहे से स्कूल बंद हो। सब स्थिति कहीं कौन प्रशासनिक अधिकारी नजर पड़नी, कहीं कौन राजनेता हस्तक्षेप करना, जहाँ नहीं संख्यालघु महल में उठलाक प्रश्न। कटकुर वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांती इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर जारी रहिबो समीक्षा ब्रेक रो। ब्रेक पर स्वागत। प्रथम सप्तम श्रेणी स्कूल खोलने आसला नुआ गाइडलाइन, प्रथम सात दिन पर्यंत स्कूल हेब नाच गीत खेलकूद, या माध्यम पुराणा पाठ को छात्र छात्री सहित आलोचना करेंगे शिक्षक शिक्षयित्री। सेपटे सतदिनिया पाठपढ़ा पर आरंभ हो तीनदिनिया बेसलाइन परीक्षा। अठाईस खोल प्राथमिक स्कूल, दुई वर्ष पर स्कूल जी छात्र छात्री, जहाँ को नहीं छात्र छात्री और अभिभावक महल में उत्साह देखा मिली। तबे कोरोना कटकणा भितर स्कूल खोली गणशिक्षा विभाग पक्ष नुआ गाइडलाइन जारी होई। नुआ गाइडलाइन अनुसार प्रथम सात दिन पिला मानसिक चापर मुक्त करने खेलकूद ड्रइंग नाच गीत स्टोरी टेलिंग अन्यान आक्टिविटीज मध्यम स्कूल प्रति सहज अनुभव कराइवाई शिक्षक शिक्षयित्री चेष्टा करिबे। दीर्घ दिन धरी कोविड भितरे घरे रही अनुभूति कहे छात्र छात्री, एथिपाई स्कूल गुड़िक आरंभ हो प्रस्तुति। स्कूल आसवर सप्ताहे पर छात्र छात्री बेस लाइन परीक्षा 9, 10 और 11 तारीख रड़िया गणित इंग्राजी यथाक्रमे तीनो विषय परीक्षा करा पर नंबर अनुसार मार्क दि जाए से प्रोग्रेसिव रिपोर्ट अभिभावक मान पाखक पठा। या पूर्व आसंता 26 तारीख में स्कूल कर्तृपक्ष अभिभावक मान एक गुरुत्वपूर्ण बैठक रही सूचना देखते स्कूल शिक्षयित्री। मुझे तो पूरा बहुत खुशी, मानने विद्यालय बगीचा
ପିଲାଙ୍କ ବଗିଚା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ, ଆମେ ପୁରା ଆମର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ପିଲା ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛେ। ଆମର ବେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ 20 ମାର୍କର, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନେ କୋଉ ଗ୍ରେଡ୍ରେ କେତେ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଘରେ ରହିକି ପୁରା ସିଦ୍ଧି ଗଲେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ ପଢିବୁ? ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏତେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ଆମେ ଘରେ ବସି ପୁଣି ବୋର୍ ହଉଥିଲୁ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ କୋଭିଡ୍ ର ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆମେ ପାଳିକି ଆସିବି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି, ସାନିଟାଇଜର କରିବି, ସବୁ କରିବି। ପୂର୍ବରୁ 8ମରୁ 12ଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ 28ରୁ 1ମରୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଯିବେ ସ୍କୁଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦାବିରେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲେ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରୋନା ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସବୁ ପିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପଢ଼ାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା କ୍ୟାନ୍ସଲ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସେତେ ଥର ଆମ ୟୁନିଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହଉ କି ଅନ୍ଲାଇନ୍, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହଉ, ଆମର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଟପାଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ କାଳିଆ ବେହେରାଙ୍କ ନିଆରା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶୈଳୀ। ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନଥିବା ବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଟେବୁଲ ପକାଇ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏକ ଦୋକାନ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ସାମାନ ନିଜେ ନେବା ସହିତ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିଜେ ରଖିଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାଳିଆଙ୍କ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେରଣା। ଜନ୍ମର 6 ମାସରୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଭୋଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କଲୋନୀ ବସ୍ତିର କାଳିଆ ବେହେରା। ମା ଓ ଭାଇଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସାହାରା ମିଳିଲେ ଯାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତିକୁ ପଥର କରିଥିବା ମା ପୁଅର ପାଳନ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ପୁଅର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତେ, ସେହି ବୟସରେ ପୁଅକୁ ବୋହି ନେବାର ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା। ଅବସ୍ଥା ତ ମା ସେ ତ ମନକୁ ମନ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ବସିବି, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ବୋଉ ପାଇଁ ବୋଉ ଟିକେ ଦୋକାନ କରିଦେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଟିକେ କରିଦେଲି, କେବିନ୍ ଟିକେ ସେଠି ବସିଲା, କିଛି ବେପାର ହେଲାନି, ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେବିନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଗ ଯାହା ଟିକେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆଉଥରେ ବିଜାର ହେଇକି ଆଉଥରେ କହିଲା ବୋଉ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇ ଦେ, ଟେବୁଲ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ତା ସେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10ଟାରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଥାନ୍ତ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୁନାଠୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବା କାଳିଆ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଏକ ଟେବୁଲ ପକାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ଲଢ଼େଇ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସଞ୍ଜରେ ଆସି ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାଳିଆ ଦୟାଳୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଖରା ଅଧିକ କିମ୍ବା ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଉଠିଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ ଯାଇପାରିବେନି। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଜରିଆରେ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କାଁ ଭାଁ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି, ନିଜେ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ସହିତ ପଇସା ରଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଓ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କାଳିଆଙ୍କ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଏକ ଦୋକାନ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
निजर समस्या जन का प्रशासन सहयोग कले से कि रोजगार करिवारे सक्षम हे आज्ञा दुकान देली जे मुझे बोझ होगा चाहे ना घर बड़ पु मोर टा इनकम है मोर मुझे दया मानने रहा चाहूनी सान भाई मो सान भाई की मुझे टंका साहय कली से मोर बहुत बड़ कर्तव्य बोली भावे आज्ञा सका नौटा साढ़े नौटे आसा बसई दे कि मो कर्म को मुझे दरकार पड़े जी परिश्रा करने लाट्रीन ईप से मतलब फोन करती आउ अन्य काम भी खाया पे तो बहु आणिक आसती ना मुझे आसे खुआई दिए ये सब कम अनेक समस्या आज एक ही कमाऊँ पर ये कर भाई एमती हैंडल कर तो समाज बेपारी भी ना ये आम असुविधार बहुत सम्मुखीन होना तो हाथ गोड़ चलने हैंडिकप पाटी चकलेट नल पैसा भी पैसा से भी ठीक रे नहीं पार ना हाथ में पैसा देलापर पुणी आम बाक्स खोलिका पैसा तो निहती कर्म कौटी गोटे थैतान कर दृढ़ मनोबल आगे हार मानी भिन्न क्षमता 90% दिव्यांग सत्वे से रोजगार पर जो पंथा ग्रहण करने पलटि दृष्टांत भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रमोद महापात्र सहित कविता स्वाईं रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राजधानीवासी पसंद गुजराती राजस्थानी साड़ी और लेहंगा शोरूम अपेक्षा रास्ताकड़ दुकानु ये जिनस कि पसंद करछंती राजधानी बासिंदा सुंदर डिजाइन सांग को सुलभ दर समस्त मन को छुई भली भली साड़ी लेहंगा चुनरी मनलोभा रंग सांग को आकर्षण डिजाइन ग्राहकों मन को बेस् छुई राजधानी रास्ता कड़े सुंदर सुंदर डिजाइन सांग को सुलभ दर रे साड़ी बिक्री होची। राजधानीवासी पसंद पलटि गुजराती राजस्थानी साड़ी और लेहंगा शोरूम अपेक्षा रास्ता कड़ दोकान जिनस कि पसंद करुछंती राजधानी बासिंदा विवाह सीजन पर चली जोरसोर बेपार राजधानी रास्ता कड़ साजिश मिनि मार्केट जोठी संध्या लगुच भिड़ प्रदर्शनी पड़िया पार्श्व हो कि एजि छक राजमहल जावा बाटर बाम पार्श्वे बसी बाहर राज्यर व्यवसायी किए गुजरात तो किए राजस्थान सुलभ दर में निज अंचल आनी भुवनेश्वर से करवसाय सब साड़ी लेहंगा किणवाक लगी राजधानीवासी भिड़ साड़ी 500 टकर आरंभ होता बेले लेहंगा 1500 टकर आरंभ हो 3000 टंका पर्यंत रही जहाँ बेस पसंद कर ग्राहक जेहेतु आम शोरूम वगैरह को जाऊँगी बहुत मानने भल जिन भी देखा किंतु ता उपरे समय एसी चार्जेस हो मेंटेनेंस चार्जेस हो सूटा पकईकी आमको दौरान बट एम एत दूर आसिकी कम कॉस्टली आमको सेम जिनस दौरान सेम मटेरियल सेम ड्रेस सेम ग्राउंड सेम लेंगा तो बेस्ट यहीटा ही आम नाटा को चाहिए मत बहुत थर नहीं भाई बाहर भी नौची कौनपाई से कौन करती रूम रेंट एसी चार्ज सब पकई दिखती पिला रखती तो सेटा मिडिल क्लास लोक अधिक प्राइस तो आम कौन करते रेट निर अल्प लाभ रखी दिखाई प्रिफर करूँ क्वालिटी भी भल रहे ये सब वस्त्र शोरूम अपेक्षा स्ट्रीट मार्केट रे सुलभ दर में मिलता बेले यार क्वालिटी को नहीं संतुष्ट ग्राहक एने भुवनेश्वर और भुवनेश्वर बाहर लोक आसी किणी गुजराती और राजस्थानी वस्त्र सेपटे बाहर सीजन चली जिनस कि बेस सुहा ग्राहकों को लोक बेसी अभी लहंगा पसंद करुची आउ पाटो साड़ी ऊपर सब बाहरी से सब पसंद हो मार्केट रे के तमे शोरूम रे नब जति की लिखा हबो सेति की दबा पड़िबो एठी हमो पाखे डिस्काउंट रे तमे तमो रेट कहबो अन्य राज्य रे व्यवसायी माने समान को हाथ तयारी वस्त्र भुवनेश्वर रे बिक्री करछंती जहां राजधानी वासी को पसंद आउछी भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रमोद महापात्र को स कविता स्वाईं को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भुवनेश्वर रेल स्टेशन 65 के जी गंजे जबत ट्रली ब्याग्रे भर्ती कर चलाणी होता ट्रेन राजस्थान जयपुर चलाण होता योजना मामलें जनक गिरफ्त कर जीआरपी पुलिस स्टेशन में कम कर किसी कुली हाथ सन्देह कर समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।